बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है खेल जगत से जुड़ी हुई। महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता राजपूत एकादश देहरादून ने जीत ली है। महाविद्यालय मैदान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में देहरादून की टीम ने पूर्णिमा गार्मेंट बागेश्वर की टीम को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्रतियोगिता के आयोजक एडवोकेट बसंत कुमार ने सभी प्रतिभागी टीमों का आभार जताया। पेश है सीसीएन की ये रिपोर्ट। कुमाऊं स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित स्वर्गीय धीरज कुमार मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता राजपूत एकादश देहरादून ने जीत ली है। देहरादून ने एक रोमांचक मुकाबले में पूर्णिमा गारमेंट बागेश्वर को 11 रनों से पराजित किया। पहले खेलते हुए राजपूत एकादश देहरादून ने निर्धारित 20 ओवर में 206 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूर्णिमा गारमेंट बागेश्वर की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। एक बार 53 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी पूर्णिमा गारमेंट की टीम ने बाद के ओवरों में जोरदार वापसी करते हुए 195 रन बनाए। प्रतियोगिता के आयोजक एडवोकेट बसंत कुमार ने सभी प्रतिभागी टीमों व सहयोगियों का आभार जताया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरी सेठानी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान करते हुए आयोजन की सराहना की। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 1.5 लाख की राशि तथा उपविजेता टीम को 75,000 की राशि प्रदान की गई। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।